यार मैं शॉप पे पहुंच गया हूँ। ये कार सेंटर करके शॉप है। अगर अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप सगुना से जैसे ही दानापुर से जरा पड़ते हैं तो आपको सामने वहाँ पे पड़ता है, आपको एक हुंडई का शोरूम है, उसके जस्ट अपोजिट में सामने में आपको ये शॉप मिल जाएगा। अगर मेरा पर्सनल व्यू लीजिए तो शॉप का काम है वो बहुत ही अच्छा। अगर आप एक बार गाड़ी का काम करवाना है, सीट कवर काम करवाना है, तो एक बार यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिए, आपको इनका वर्क जो है काफ़ी पसंद आएगा। गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा सीट खुल गया है, गाड़ी खाली खाली कैसी लग रही है। और ये रहा सारा सीट यहाँ पर रखा हो, यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ पर छाया में भैया काम कर रहा है। तगड़ा काम गाड़ी में चल रहा है, एक तरफ सीट का काम चल रहा है और एक तरफ गाड़ी का एलिमिनेशन हो रहा है। देखिए गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी तरफ का फ्लोर का एलिमिनेशन हो रहा था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई इधर चल रही है फ्लोरिंग का एलिमिनेशन का काम और इधर चल रहा है सीट का काम, तो भाई हैवी काम हो रहा है गाड़ी में। ये देख सकते हो फ्लोरिंग का काम जो खत्म हो गया, देखो सिर्फ आगे का आता है, डिक्की का नहीं आता, इसे डिक्की खाली है, डिक्की पर सीधा मैट डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा लेमिनेशन हो गया, आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है वो लेमिनेटेड है। गाइस अभी फिटिंग का काम सारा होगा, ये सारा देख सकते हो, सीट्स जो है सब पे कवर लग यहाँ पे रखा हुआ है, अब जाके कार में फिट हो जाएगा ये सब। तो अभी फिटिंग का काम चल रहा है, आगे ड्राइवर सीट लग गया और पीछे वाला नीचे वाला लग गया, धीरे धीरे करके सब लग जाए। सीट कवर लग के तैयार हो चुका है, आपने एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कैसा लग रहा है ओवरऑल। बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई और बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पूरा पसीना पसीने हो गया था धूप में। तो व्हाइट सीट कवर है, आपने एक बार देख के जरूर बताना है कैसा लग रहा है, कैसा इसका लुक आ रहा है। अभी इस पर यहाँ पर सारे जाली जाली जो घास वाली मैट होती है व्हाइट और ब्लैक कलर में, वो पूरी लगेगी, यहाँ डलेगी और पूरा पीछे डलेगा। सीट कवर का जो भी आगे का इन्फॉर्मेशन है वो मैं नहीं दूंगा, मैं अपने जो शॉप का ओनर है उनसे बात करा दूंगा, वो डायरेक्ट आपको बता देंगे और कितने तरह के यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सीट कवर, सारा कुछ वो बता देंगे आप। तो गाइस अभी आमिर भाई हम लोग के साथ है, जो कार जो शॉप के खुद ओनर है, मेरे गाड़ी में जो सीट कवर लगा खुद आप लोगों को बताएंगे, उसका क्या स्पेक्स है, क्या उसकी क्वालिटी है, सारा कुछ बताएंगे और कितने तरह का क्वालिटी इनके पास अवेलेबल है वो सब कुछ बताएंगे। तो आमिर भाई हेलो गाइस, बेसिकली हम लोग तीन मटेरियल में डील करते हैं। पहला हम लोग का प्रीमियम नापा जो सिल्की नापा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका सीट कवर बहुत ही सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी का होता है, वही अभी हम लोगों ने इनकी गाड़ी में इंस्टॉल किया है और क्वालिटी और फिटमेंट अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दो और क्वालिटीज़ हमारे पास आती हैं, ड्राई लेदर है और एक ब्रीदेबल है। तो ब्रीदेबल में बेसिकली बहुत छोटे माइनर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एरेशन ज़्यादा होता है, और ड्राई लेदर भी काफ़ी अच्छा मटीरियल है, उसका भी मैं आपको सैम्पल देता हूँ। एक्चुअली देखिए जैसे हेमंत भाई की गाड़ी में हम लोगों ने जो सीट कवर इंस्टॉल किया है वो नापा लेदर का है, प्रीमियम नापा, सिल्की नापा, और इसका जो फिटमेंट है ये देखिए फिटिंग कितनी प्यारी आई है और क्लोज फिटमेंट भी देखिए। और हम लोगों का एक स्पेशलिटी है, जिस गाड़ी में कंसोल होता है वहाँ उसमें कंसोल भी एज इट इज बना के देते हैं, जिस गाड़ी में आर्मरेस होता है साइड आप देख सकते हैं प्रॉपर आर्मरेस, ना कि वो चेन, प्रॉपर बिल्कुल राइट। और कलर्स डिजाइन करीबन 10 से ज्यादा शीट्स है हमारे पास टू सेलेक्ट फ्रॉम, इन अदर मटीरियल 18 से ज्यादा शीट्स है हमारे पास टू सेलेक्ट फ्रॉम, तो चॉइसेस बहुत है, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, प्लीज विजिट अस फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस, एक बार एक्सपीरियंस लिए विल ओन यू दैट्स फॉर श्योर। अगर शॉप के एड्रेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो तो मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जिसका मैप का एड्रेस है पूरा मैप का एड्रेस डाल दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भैया का ओवरऑल काम बहुत अच्छा लगा मुझे, फिनिशिंग का काफी था, एक बार मौका देके देखिए आपको भी काम पसंद आएगा। तो यार भैया का काम मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, वो मैं क्यों बोला क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, सही है देखिए इसका आपको जो डिटेलिंग दिख रहा है कितना वाकई शानदार है भाई, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, सब कुछ एकदम अच्छे से भैया ने फिटिंग किया, मतलब लग ही नहीं रहा भाई कि अलग से कुछ काम ही हुआ, मतलब इतना अच्छा डिटेलिंग है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया का काम काफ़ी अच्छा है, आप एक बार इनको मौका देके देखिए।